हाँ हेलो सलाम दोस्तों। तो ये जो है ना ये सऊदी अरब रियाद का पार्किंग है, ये हॉस्पिटल का पार्किंग है सऊदी अरब रियाद। ये हॉस्पिटल जो है ना यानी सरकारी हॉस्पिटल है, सबसे टॉपर में आता है। यहाँ पे कैंसर का इलाज होता है और दिल का वगैरह वगैरह सब चीज़ का होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो ना इलाज इतना हाई क्वालिटी होता है, यानी सरकारी हॉस्पिटल का ये हालत है कि यहाँ पे कितना भी अमीर हो कितना भी पैसे वाला बंदे हो सब सरकारी में इलाज करवाते हैं। और ये जो है फ्लोर कितना नंबर फ्लोर है, ये जो है फ्लोर पार्किंग का जो है तीसरा नंबर है। इसके नीचे भी है पार्किंग और इसके नीचे तो मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन लुक देखना चाहता हूँ। हाँ इधर भी नीचे भी बताए थे वैसे ही नीचे भी है, तो नीचे खाली है। तो यहाँ का जो है ना यहाँ पे जो है कितना भी अमीर बंदा हो जाता है तो यहाँ पे जो ना सरकारी अस्पताल में जो ना काम करवाते हैं। और ये जो है ना ये पार्किंग जो है प्राइवेट है और ये जो है 8 नंबर गेट है, यानी अंदर ग्राउंड पार्किंग बनाया गया है और ऊपर में भी है जैसे कि देख रहे हैं आप सब, और ऊपर का भी लुक देख रहे हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हम थर्ड में हैं और नीचे फोर्ड हो गया, यानी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया गया और यहाँ पे और पार्किंग बन रहा है। यहाँ पे जो है ना काम, यहाँ पे काम प्यारा चाम प्यारा नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे विदेश में जो है अवाम को देखते हैं, यहाँ पे भेदभाव नहीं है। अपने यहाँ जो है काम काज पर तो ध्यान नहीं है, स्कूल का हाल क्या है ये इस पर तो ध्यान नहीं है, तो हॉस्पिटल का हालात क्या है। कुत्ता जो है ना इस गली से जाते हैं और उस गली से निकलते हैं। तो जैसे कि हम बता रहे थे लुक आप देख लिए, और ये जो है ना रास्ता जो है बन रहा है ओके। और यहाँ पे जेसीबी जो है ना चल रहा है और इसमें जो है ना पैसा लगता है घंटे का पार्किंग का, 2 रियाल जो है ना घंटे का लगता है। और ये जो है ना सरकारी अस्पताल है, तो सरकारी अस्पताल फूल है बहुत बड़ा, यानी टॉपर है रियाद का, यही यानी सबसे बड़ा यही है। यहाँ पे कोई सा भी यानी सब इलाज होता है, प्रत्येक बीमारी का इलाज होता है। तो यहाँ पे जो है ना काम जो है ना करते हैं अपने यहाँ जैसा नहीं, यहाँ पे तो अपने यहाँ जो हिंदू मुस्लिम ये वो भाई, यहाँ पे हम भी जो आए हैं या कोई बंदा आना चाहते हो यहाँ पे सऊदी अरब में किस लिए, क्योंकि यहाँ का हालात सही है, क्योंकि यहाँ का सरकार सही है। अपने यहाँ जो है ना एक दूसरे में जो ना बांट के रखा हुआ, एक दूसरे को जो नफरत फैलाने में लगा हुआ, खुद वो मजा मार रहा है और हमें और आपको जो ना बेवकूफ़ बना रहा है। यार हम तो यही बोलेंगे कि संभल जाओ। जैसे कि केजरीवाल जो है ना अभी के दौर में मैं देख रहा हूँ एक जो है केजरीवाल जो है अपने यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम जो है केजरीवाल कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए हर एक स्टेट में। आप देखो इस इलेक्शन में कौन जीतता है, सच्चाई का जीत होता है कि झूठ का जीत होता है पता नहीं। हमारे तरफ से तो केजरीवाल ही होना चाहिए। और आप सबके तरफ से कौन सा होना चाहिए पता नहीं। और अभी जो है ना ये या काम के बारे में जो अभी जो ये सुनने में आ रहा है कि ट्रेन भी जो ना किराए में लगा रहे हैं, यार जितना चीज़ जो था सरकारी वो सब जो है ना बेच कर खा गया बीजेपी जो है क्या किया। हमें बीजेपी में भरोसा, नया सरकार आया तो मैं सोचा कि कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अच्छा क्या करेगा, ये हिंदू मुस्लिम में बांट के अवाम को रख दिया। भाई विदेश में जो है ना यहाँ पे जो हिंदू भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं, ये नहीं कि मुसलमान ही आते हैं। किसी का बहुत सारे का नज़रिया रहता है कि यहाँ पे मुसलमान ही आते हैं, भाई यहाँ पे गरीब आते हैं जो इंडिया में जो नहीं कमा पाते वो यहाँ पे आते हैं। और यहाँ का हालात देखो, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे एकदम सही चल रहा, यहाँ पे कोई है हूँ कुछ भी नहीं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भाई किसी को भी जो वोट वगैरह कुछ भी देते हो तो अच्छे इंसान को दो, जो आपके लिए लड़े हमारे लिए लड़े
ऐसे बंदे को दो, क्योंकि विदेश में जो है ना कोई खुशी से नहीं रहता। कौन बंदा अपना परिवार को छोड़कर रहना चाहेंगे, ये पहले बताओ आप। कोई बिहार का होता तो दिल्ली जो कमाने के लिए जाता, मुंबई जाता कमाने के लिए, 2 से 3 महीने में घर चला जाता, क्योंकि कितना याद आता। और भाई हम विदेश में आते तो 2 साल तक का जो है ना ये फंस जाता है, बंदा जो है 2 साल तक का फंस जाता है, क्योंकि वहाँ का ये 2 साल का रूल्स होता है। तो 2 साल तक जो है ना बंदे को यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 2 साल तक जो कंप्लीट जो है ना करना पड़ता है। भाई मजबूरी के नाम से बंदा तो एक ब्याज में कर्जे के मारे, दुख के मारे आए रहते हैं, और वो ये नहीं सोचते कि भाई मैं चला जाऊँ। यहाँ पे कितना दुख तकलीफ, धूप को दिन रात एक कर देते हैं, ना धूप देखते ना ठंड देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, और यहाँ पे मजदूरी करते हैं। भाई यहाँ पे रोज़गार है तो यहाँ पे जो अच्छा खासा रकम भी मिलता है, इसलिए आते हैं बंदे यहाँ पे। बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई मुसलमान ही आते हैं यहाँ पे, मुसलमान नहीं हर एक बंदे आते। अस्सलाम वालेकुम भाई, सब खैरियत? देख लो ये भी इंडियन ही फॉरमैन था, यहाँ पे दोनों सुपरवाइजर अगर डिग्री कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो है ना राजनीति के चक्कर में ना पड़ो, तो यही कहेंगे भाई देश बचा दो। अभी जो ना ये NRC और NPR ये सब जो है ना संविधान का जो है ना उल्लंघन करता, तो ये तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आज एक धर्म को टारगेट कर रहा है तो फिर कल जो है ना दूसरे धर्म को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, फिर चौथे को करेंगे। वो सोच रहे हैं राजनीति ये नेता सब सोच रहे कि भाई मैं अकेला राज करूँ, ये हालात है इंडिया पर। भाई मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरा वीडियो जो ना लाइक करना, नहीं तो अनलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ जाऊँगा कि मैं गलत बोला हूँ सही बोला हूँ। सही बोलाऊँगा तो लाइक कर दीजिएगा, गलत बोलाऊँगा तो अनलाइक कीजिएगा। यहाँ पे बंदे सब आते हैं, यहाँ पे रोज़गार है इसलिए आते हैं, अपने यहाँ का हालात सही रहता तो यहाँ पे मजदूरी के लिए नहीं आते, अपने ही यहाँ मजदूरी करते बंदे। देख रहे हो यहाँ पे लिखा VP3 पार्किंग का, तो यहाँ का जो है ना जैसे कि अभी जो है ना हालात, हम तो चाहते कि वही जो केजरीवाल ने जैसा किया वैसा ही पूरा इंडिया में होना चाहिए, वहाँ का हालात सुधर रहा ऐसा ही हालात होना चाहिए, ऐसा ही बंदे को चुनना चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई भी बंदा नहीं चाहिए, जो राजनीति में जो हिंदू मुस्लिम कर रहा हमें ये है वो है ऐसा वाला बंदा, यानी कोई भी बंदा जो ना राजनीति धर्म के नाम पे कर रहा तो समझो ये घटिया है, सबसे घटिया यही है। देश का तरक्की जिंदगी में लाइफ में भी नहीं कर सकता वो बंदा, बस वो अपना पेट भरेगा और आपको अपनी जो है की रास्ता में, बस यही काम है। तो आज के लिए बस इतना ही, माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, विमानंद।